हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में जो डिस्कस करेंगे, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मीन देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि कंज्यूमर जो है, एक उपभोक्ता जो है, व्हेन ही विल बी इन द कंडीशन ऑफ द बैलेंस, वो कब बैलेंसिंग कंडीशन में वो होगा, यानी कि जब उसको ना बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो ना बहुत कम, नाइदर ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन नॉर लेस, ही इज इन द स्टेट ऑफ बैलेंस, कब वो बैलेंस स्टेट में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी दो कंडीशन होती है, पहला होता है वन कमोडिटी केस एंड सेकेंड इज द टू और मोर कमोडिटी, यानी कि जब वो एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तब, और जब वो दो या दो से ज्यादा कमोडिटी जो है वो कंज्यूम कर रहा है तब उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। तो पहला है वन कमोडिटी केस में। वन कमोडिटी केस में ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, प्राइस ऑफ मनी, मींस उसका प्राइस क्या है, जो भी वो कमोडिटी यूज कर रहा है उसका प्राइस क्या है, यानी कि पी एक्स। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एम यू एक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम यू एम। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, मीन्स आपने सपोज एक रुपया खर्च किया तो उस एक रुपए से आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, दैट्स कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी सिंपल। अब ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट रहता है, इसका एक फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझिए। देखिए, एम यू एम इज इक्वल टू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस इज फार्मूला टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए, चलिए इसको समझते हैं, चलिए अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं समझते हैं। मान लीजिए एक कंडीशन है जिसमें किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज 4 रुपीज़, यानी कि जब वो एक रुपया खर्च कर रहा है, व्हेन ही इज स्पेंडिंग द 1 रुपीज़ एंड ही इज गेटिंग द 4 यूटिल्स, जब वो एक रुपया खर्च कर रहा है तब उसको कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, 4। ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज कॉन्स्टेंट, ये जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। तो एक रुपया खर्च करने पर उसको कितनी यूटिल्स मिल रही है, 4 रुपीज़। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले तो ये समझिए, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 4, यानी कि ये जब क्या होगा, जब 4 इज इक्वल टू 4 होगा देन वो क्या होगा, वो सेटिस्फेक्शन की स्टेट में होगा, जब वो बैलेंसिंग स्टेट में होगा, मीन्स ना तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा ना बहुत ज़्यादा बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कमोडिटी की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से की यूनिट ले ली, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी हमने ले ली 20, 18, 16, 10, 0 और -5। आप सिंपली हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर पुट करते जाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज इक्वल टू क्या होगी, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी यहाँ पर कितनी है, 20, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस हमारा कितना है, 4, तो ये कितनी हो गई यहाँ पर, 5, इसको कितना मिल रहा है, 5 यूटिल्स, यानी कि जो ये एक रुपया अपना खर्च कर रहा है उससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगली स्टेज में देखते हैं, अब यही वैल्यू यहां पर फिर पुट कर ली, यहां पर 18 अपॉन 4 कर देंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको इससे डिवाइड करा, 4.5 यूटिल्स आ गया। ठीक है, यानी कि अभी भी वो जो है वो क्या है, जितने वो जितना भी वो पैसा खर्च कर रहा है उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर अब यानी कि ये कंडीशन जो है अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि अभी भी वो क्या है, वो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा है। अब दूसरे में देखते हैं, 16 अपॉन 4
सिंपल आपको वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है, यानी कि फोर यूटिल्स। आप देखिए फोर यूटिल्स यानी कि ये कंडीशन आ गई, फोर इज इक्वल टू फोर, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी अपॉन पीएस। अब ये आ गई फोर इज इक्वल टू फोर, यानी कि इस लेवल पर ना तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना कम, यानी कि वो बैलेंसिंग स्टेट में है। अब अगर इसको जब आगे आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये जाहिर सी बात है फोर से नीचे चली जाएगी, यानी कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो ये फार्मूला जो है याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी अपॉन प्राइस। तो ये क्या था, ये जो है हमारा वन कमोडिटी केस में। अब टू कमोडिटी केस में क्या होता है, देखिए आप इसको अगर हम टू कमोडिटी केस की बात करें तो उसमें फार्मूला सिंपल क्या हो जाता है, टू कमोडिटी या मोर देन दिस, तो उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। ये सिंपल इसका फार्मूला हो जाता है ये। अब देखिए यहां पर अब कर लेते हैं टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस में क्या होता है उसको समझते हैं, सेकंड टू कमोडिटी केस। अब टू कमोडिटी केस का मान लीजिए एक फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर दो कमोडिटी है, ये है एक्स और ये हो गई वाई कमोडिटी। इससे आपको मान लीजिए 80% सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इससे दोनों का मिला के 100% हुआ। अब जब आप अगली यूनिट कंज्यूम करेंगे कमोडिटी की तो किसकी करना चाहेंगे, देखिए इससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इससे अभी कम मिल रहा है, तो अब आप इस कंडीशन में कौन सी यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे, मतलब अगली यूनिट कौन सी कंज्यूम करेंगे। तो देखिए इससे आपको जब 80% सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी मिल रहा है तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा उसके चांसेस कम होंगे, यानी कि इस कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के चांस क्या होंगे वो कम होंगे। अगर हम इसको बाय कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन के चांसेस हमको ज़्यादा होंगे क्योंकि ये अभी 20 है। तो इसी को क्या करेंगे, मान लिया इसकी जगह हम इसको कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे ही जब हम बढ़ाते जाते हैं तब क्या होता है एक बैलेंसिंग स्टेज आ जाती है, यानी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इजिकल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। मीन्स यहाँ पर इसको आप मान लीजिए यहाँ पर कर लिया हमने 70, 30, 60, 40, अभी आ गया 50, 50, यानी कि क्या हो गया हमारी ये कंडीशन जो है वो अब जस्टिफाई हो रही है, यानी कि ये दिस सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू दिस सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। अब दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें इक्वल है। इसी को क्या कहते हैं टू कमोडिटी केस में कैलकुलेट करने का तरीका, ये हमने आपको फॉरेन एग्जाम्पल बता दिया। तो हमारी आज की क्लास बस यहीं तक, आज आपका चैप्टर थर्ड जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस खत्म हो गया। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।